हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 41 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये आपकी 18 तारीख की वर्कशीट है और इसमें बच्चों आपको समास के बारे में बताया गया है। ठीक है, समास के बारे में इसमें आपको दिया गया है तो मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, पहला है माता पिता, इसका हो जाएगा बच्चों माता और पिता, ये द्वंद समास है। दूसरा है आशुतोष, इसका हो जाएगा शीघ्र प्रसन्न होने वाला बहुव्रीहि समास। तीसरा है दाल रोटी, तो इसका हो जाएगा बच्चों दाल और रोटी द्वंद समास। ठीक है, चौथा है राजपुत्र, इसका हो जाएगा राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। अगला है पंच तत्व, पाँच तत्वों से बना द्विग समास। ठीक है, छठा है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश बहुव्रीहि समास। सातवां है भरपेट, इसका आंसर हो जाएगा पेट भर कर अव्ययी भाव समास। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है वो है, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, नौ रात्रियों का समूह यानी कि नवरात्र द्विगु समास। दूसरा है शक्ति के अनुसार, तो इसका हो जाएगा यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। तीसरा है देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति तत्पुरुष समास। तो चौथा है दो सुतों का समूह, तो हो जाएगा दो सुति, ये हो जाएगा दो सुति, दो सुतों का समूह समास का नाम है द्विगु समास। अगला है रथ चालक, तो यह रथ को चलाने वाला तत्पुरुष समास। छठा है धनहीन, ये हो जाएगा धन से हीन तत्पुरुष समास। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।